हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं कारवास ओएस का वर्जन S4.0 अपने पोको एस डिवाइस में। तो वीडियो को एंड तक देखो, कई को बोले तो इसमें अपने को खतरनाक कस्टमाइजेशन मिलने वाला है और परफॉर्मेंस भी इस रॉम का बहुत जबरदस्त है। गेमिंग परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे अपने को कैसा मिलता और रॉम को इंस्टॉल कैसा करना वो मैं वीडियो की एंड में बताया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कारवास वर्जन, यहाँ पे कारवास S4.0 लेवियाथन यहाँ पे अपने को मिलता, लेटेस्ट यहाँ पे बिल्ड है देख सकते हैं और यहाँ पे अनऑफिशियल है। सेटिंग्स में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलता और यहाँ पे अबाउट फोन में चले आएंगे अपन तो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन देख सकते हैं, अपने को एंड्रॉइड वर्जन 12L मिलता और यहाँ पे अपने को 5th अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता। कर्नल इधर अपने को सिलॉन का मिलता, सिलिनक्स स्टेटस एनफोर्सिंग है, तो ये सब चीजें अपने को अबाउट फोन में मिलती। बैक आएंगे, कंट्रोल पैनल इधर देख सकते हैं अपने को एंड्रॉइड 12 का मिलता और इधर कोई भी अपने को शटरिंग देखने को नहीं मिलती, एकदम स्मूथ खुलता, एकदम स्मूथ बंद होता। डायलर इधर अपने को गूगल का मिलता, कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है कि नहीं अपन चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग अपनी सपोर्टेड है। बात कर लेंगे अपन ऐप ओपनिंग क्लोजिंग, तो इधर अपने को जबरदस्त एनिमेशंस मिलते हैं, एनिमेशंस में लैग नहीं मिलता, एकदम स्मूथ इधर अपने को एनिमेशंस मिलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इधर बहुत जबरदस्त है। रिसेंट एप्स अपने कुछ इस तरीके से मिलते हैं देख सकते हैं और यहाँ पे गूगल लेंस का ऑप्शन मिलता, यहाँ पे क्लोज का बटन मिलता और यहाँ पे क्लियर ऑल का बटन भी मिल जाता। लेफ्ट टू स्वाइप करेंगे तो इधर गूगल फीड अपनी बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग है, स्क्रॉलिंग में आपको कोई भी इधर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है देख सकते। बेसिक सेटिंग चेक कर लेंगे अपन पहले, एप्स पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे अपने को स्क्रीन टाइम का डैशबोर्ड देखने को मिलता। बैक आएंगे अपन और यहाँ पे बैटरी बन जाएंगे, बैटरी का यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता, बैटरी सेवर अपने को मिलता, बैटरी मैनेजर मिलता, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन अपने को मिल जाता, ये सब ऑप्शन आपको बैटरी पे मिलते हैं। अपन बैक आएंगे, साउंड पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे लिंक रिंग नोटिफिकेशन वॉल्यूम्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, इंक्रीजिंग रिंग वॉल्यूम का इधर अपने को ऑप्शन मिलता और हैप्टिक फीडबैक अपने को अच्छी तरीके से वर्किंग है और यहाँ पे लाइव कैप्शन का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल अपने को मिलता और यहाँ पे वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट ऑप्शन मिल जाते, एमआई साउंड एनहेंसर अपने को मिलता, क्लियर स्पीकर का इधर अपने को ऑप्शन नहीं मिलता। बैक आएंगे, डिस्प्ले पर बन जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस और अपना एक्स्ट्रा टीम बहुत अच्छा वर्क कर रहा देख सकते हैं और यहाँ पे प्रिवेंट एक्सीडेंशियल वेकअप का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, डार्क थीम व्हाइट थीम अपना बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा, ओवरराइड फोर्स डार्क का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, ज्यादा डार्क रहता अपना डार्क थीम और यहाँ पे फॉन्ट साइज डिस्प्ले साइज सेट कर सकते अपने हिसाब से, नाइट लाइट का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, कलर्स में इधर अपने को इतने सारे ऑप्शन मिलते, सैचुरेशन इधर अपने को नहीं मिलता। रिफ्रेश रेट्स में आपको चेक कराता हूँ तो देख सकते हो 60, 75, 90, 120 ये सब रिफ्रेश रेट्स अपने को मिलते हैं, सेट कर सकते अपने हिसाब से, मिनिमम मैक्सिमम सेट कर सकते और यहाँ पे स्मूथ डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता, टैप टू वेकअप टैप टू स्लीप ऑप्शन मिल जाता, देख लेंगे वर्क कर रहा कि नहीं, तो देख सकते बहुत अच्छा वर्क कर रहा। डिस्प्ले कटआउट्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता देख सकते इतने सारे कटआउट्स है, फुल स्क्रीन एप्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता। बैक आएंगे अपन, वॉलपेपर्स एंड स्टाइल पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे इतने सारे कलर्स अपने को मिलते, डार्क थीम का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, थीम डायकॉन्स का ऑप्शन मिल जाता, अपग्रेड सेट कर सकते मिनिमम 6x10 तक के रख सकते। वॉलपेपर्स पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे इनबिल्ट वॉलपेपर ये एक अपने को देखने को मिलता कारवास ओएस का और यहाँ पे रेवन वॉल्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, यहाँ पे बहुत सारे कारवास ओएस के अपने को वॉलपेपर्स देखने को मिलते, कम्युनिटी पे भी यहाँ पे वॉलपेपर्स रहते, पिक्सल के वॉलपेपर्स भी अपने को मिलते इधर, तो सेट कर सकते अपने हिसाब से। बैग आएंगे, सिक्योरिटी पे अपन जाएंगे तो अपना फिंगरप्रिंट अब कैसा वर्क कर रहा है वो भी अपन चेक कर लेंगे, तो देख सकते हैं अपना फिंगरप्रिंट बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा और रिपल इफेक्ट भी अपने को देखने को मिलता, अब अपन देख लेंगे इसमें अपने को कस्टमाइजेशन कैसा मिलता। कारवास सेटिंग पे अपन जाएंगे तो सबसे पहले इधर अपने को गेम स्पेस का ऑप्शन मिलता, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन अपने को मिलते हैं, इधर ऐड कर सकते हैं गेम्स को। बैक आएंगे, थीमिंग का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, थीमिंग में इधर अपने को मॉनिटर इंजन मिलता फर्स्ट पे और यहाँ पे व्हाइट ल्यूमिनेंस सेट कर सकते, क्रोमा फैक्टर भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते, यूज लीनियर लाइटनेस का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, एक्यूरेट शेड्स का ऑप्शन मिल जाता, थोड़े बहुत कलर्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलते और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स देख सकते हैं, इतने सारे फॉन्ट स्टाइल्स अपने को मिलते, आइकॉन पैक का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, इतने सारे आइकॉन पैक्स है, सिग्नल आइकॉन स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता देख सकते, बहुत कूल यहाँ पे एक सिग्नल आइकॉन स्टाइल्स है, वाईफाई आइकॉन स्टाइल्स का भी ऑप्शन मिलता, आइकॉन शेप्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, इतने सारे शेप्स है, तो इतने सारे ऑप्शन अपने को थीमिंग में मिलते हैं। बैग आएंगे, स्टेटस बारे पे अपन जाएंगे, क्लॉक एंड डेट सेटिंग्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, सेकंड्स को इनेबल कर सकते और यहाँ पे क्लॉक की पोजीशन को सेट कर सकते लेफ्ट या राइट और यहाँ पे शो क्लॉक बैकग्राउंड चिप का इधर अपने को ऑप्शन मिलता देख सकते, इधर देख सकते अपनी क्लॉक पे जो है बैकग्राउंड आया था और यहाँ पे सेट कर सकते साइज को। बैक आएंगे, शो नोटिफिकेशन काउंट का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, स्टेटस बार आइटम को जो इनेबल डिसेबल कर सकते, कलर्ड आइकॉन्स का ऑप्शन मिल जाता और यहाँ पे वोल्टी आइकॉन का ऑप्शन मिलता, जैसा मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो देख सकते वोल्टी आइकॉन अपने चेंज होते, वो वाईफाई आइकॉन को भी आप चेंज कर सकते, वैल्यू को इंक्रीज कर डिजाइन चेंज होता, 4G आइकॉन को इनेबल कर सकते और यहाँ पे रोमिंग इंडिकेटर का अपने को ऑप्शन मिलता, कंबाइंड सिग्नल आइकॉन का ऑप्शन मिल जाता, स्टेटस बार पे डबल टैप करेंगे तो अपना जो फोन स्लीप हो जाता देख सकते,
तो इतने सारे ऑप्शन अपने को स्टेटस बार पे मिलते हैं। अपन बैग आएंगे, क्विक सेटिंग्स पे अपन जाएंगे तो ब्राइटनेस शटर को इनेबल डिसेबल कर सकते, पोजीशन को सेट कर सकते टॉप या बॉटम, ऑटो ब्राइटनेस आइकॉन को इनेबल डिसेबल कर सकते, क्यूएस ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते अपने हिसाब से, और क्यूएस पैनल स्टाइल्स अपने को मिलते हैं, इतने सारे स्टाइल्स है देख सकते। क्यूएस राउंडेड रेक्टेंगल अपन रखेंगे तो देख सकते कुछ इस तरीके से टाइल्स अपने को मिलते हैं, और यहाँ पे देख सकते बहुत सारे स्टाइल्स है, आउटलाइन स्टाइल अपने को मिलता तो देख सकते कुछ इस तरीके से है। क्यूएस टू टोन एसेंट का अपने को ऑप्शन मिलता तो अपन अप्लाई करके देख लेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने को मिलता। कलर पॉप भी रख के देख लेंगे अपन, देख सकते कलरफुल इधर अपने को मिलते, और यहाँ पे वर्टिकल लेआउट अपने को मिलता, अप्लाई करके देख लेंगे अपन तो देख सकते वर्टिकल में हो गया। हाइट टाइटल्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, इतने सारे ऑप्शन अपने को क्विक सेटिंग पे मिलते हैं। अपन बैक आएंगे, लॉक स्क्रीन पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे डबल टैप टू वेक अप ऑप्शन मिलता, चार्जिंग इन्फो को इनेबल डिसेबल कर सकते, लॉक स्क्रीन क्लॉक स्टाइल्स का अपने को ऑप्शन मिलता है, इतने सारे क्लॉक स्टाइल्स है देख सकते। पल्स का ऑप्शन अपने को मिलता, बैक आएंगे बैटरी पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते, बैटरी एस्टिमेट को भी इनेबल डिसेबल कर सकते, बैटरी स्टाइल्स देख सकते कुछ इतने अपने को मिलते हैं, और बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते, और इधर टॉगल कलरफुल बैटरी आइकॉन का अपने को ऑप्शन मिलता है रिस्टार्ट करने को बोलता। नोटिफिकेशंस पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे री ट्रिगर का ऑप्शन अपने को मिलता, एम्बिएंट एज लाइटिंग का ऑप्शन अपने को मिलता। बैक आएंगे, बटन से नेविगेशन पे अपन जाएंगे तो म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता, रीओरियंट का ऑप्शन मिल जाता, और यहाँ पे डिसेबल पावर मेन्यू ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन अपने को मिलता। मिसेलिनियस पे अपन जाएंगे, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज का ऑप्शन मिलता, अनलॉक हायर एफपीएस इन गेम्स का ऑप्शन मिल जाता, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स का ऑप्शन मिलता, और यहाँ पे बैकग्राउंड टास्क फ्रीजर का अपने को ऑप्शन मिलता। इतने सारे ऑप्शन अपने को मिसेलिनियस पे मिलते देख सकते। बैक आएंगे तो ये सब कस्टमाइजेशन अपने को कारवास ओएस में मिलता। सेफ्टी नेट चेक कर लेंगे अपन, रन टेस्ट पे अपन टाइप करेंगे तो हम भी सेफ्टी नेट देख सकते हैं, अपना बाय डिफॉल्ट पास्ट है तो बैंकिंग एप्लीकेशन गूगल पे फोन पे इजीली रन कर सकते। डीआरएम इन्फो के अंदर अपने को वाइड वन एल वन अपने को मिलता, इसमें थोड़ा बहुत एप्लीकेशन अपने क्रैश करते, यहाँ पे क्रोम मेरा भी क्रैश हो रहा था, अब नहीं हो रहा, यहाँ पे एप्लीकेशन देख सकते हैं मेरा क्रैश कर रहा, तो ये भी बग आपको देखने को मिल सकता, लेकिन फोन को एक बार रिस्टार्ट करके देख लो फिक्स हो सकता होगा। सीपीयू थ्रॉटलिंग चेक कर लेंगे अपन तो ग्राफ आप इधर देख सकते, मैक्सिमम अपना 1,65,000 जीआईपीएस तक मिलता, एवरेज देख सकते 1,61,000 जीआईपीएस तक है, मिनिमम अपना 1,42,000 जीआईपीएस तक मेरे को मिल जाता, तो परफॉर्मेंस इस रॉम का बहुत जबरदस्त है। रैम मैनेजमेंट चेक कर लेंगे अपन तो यहाँ पे देख सकते 65% तक जा रहा, और इसमें अपने कोई भी कैमरा एप्लीकेशन नहीं मिलती, एनएक्स कैमरा इंस्टॉल कर सकते, अपने चैनल पे अलग से वीडियो है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाती, वहाँ से देख लेना। गेमिंग करके देख लेंगे अपने इस रॉम में कैसी मिलती, परफॉर्मेंस कैसा रहता वो सब अपन देखेंगे। तो बीजीएमआई में आ गए अपन तो यहाँ पे ग्राफिक्स में इधर चेक कराता हूँ, आप तो देख सकते अपने बीजीएमआई में स्मूथ और 90 FPS जो अनलॉक्ड मिलता, 90 FPS पे गेमिंग कर सकते। टीडीएम खेल के बताता हूँ तो गेमिंग में इधर देख सकते अपने कोई भी मेजर लैग देखने को नहीं मिलता, एकदम स्मूथ गेमिंग कर सकते अपन। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड पे गेमिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मेरे को जो हीटिंग इशू देखने को मिला, फोन बहुत ज्यादा हीट हो गया था, लेकिन परफॉर्मेंस इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था, फ्रेम ड्रॉप्स भी नहीं हुए। एग्जैक्ट अपने को 90 FPS तो नहीं मिलता, 60 तक अपने को स्टेबल मिल जाता, एनिमीज अगर आगे बोले तो थोड़ा बहुत FPS में थोड़ा बहुत अपने को डिफरेंस देखने को मिलता, FPS अपना थोड़ा डाउन चल जाता, तगड़ा अपने को गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है इस रॉम में। गेमिंग ऐप से इंस्टॉल कर रहे तो डेफिनेटली कर सकते इस रॉम को। अपन अब देख लेंगे इस रॉम को इंस्टॉल कैसे करते, वाइप वाले सेक्शन पे अपन जाएंगे, एडवांस वाइप पे अपन टाइप करेंगे, टेलवी कैच मेटा डेटा डेटा, ये सारे पार्टीशन को सिलेक्ट करके अपन वाइप कर देंगे। होम पे अपन प्रेस करेंगे, इंस्टॉल पे टाइप करेंगे अपन तो यहाँ पे देख सकते हैं अपनी फाइल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे दोनों जगह दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इस पे अपन टाइप करके फ्लैश कर लेंगे, फ्लैशिंग प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता तो आपको वेट करना पड़ता, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ तो देख सकते हैं अपना फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको होम पे आना पड़ता, यहाँ पे वाइप वाले सेक्शन पे अपन टाइप करेंगे, फॉर्मेट डेटा पे टाइप करेंगे, इधर YES टाइप करके अपन टिक कर देंगे, इसके बाद अपन फोन को रिबूट कर ले सकते। तो देख सकते हैं अपना फोन जो है सक्सेसफुली बूट हो गया। तो ये था अपना कंप्लीट रिव्यू कारवास ओएस वर्जन S4.0 का। तो वीडियो को हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लो, इधर मैं लेटेस्ट कस्टम रॉम के पोर्ट्स अपलोड करते रहता हूँ, और इस रॉम का लिंक भी मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।